इवनिंग। और अभी ना हम लोग जा रहे हैं, मैंने जो पिछले ब्लॉग में कहा था देखते हैं कि शाम को बिरयानी आती कि नहीं, अब बेचारी बोल रही तो मैंने कहा ले आते हैं। चल गुनो फिर लेट जाएगा घर आने में, दिन छोटे होते हैं ना आजकल। तो हम लोग पहुंच गए हैं बिरयानी की शॉप में। बस यहाँ से अभी आपको ना दो पार्सल दिख रहे होंगे, मतलब पैकेट में दिखेंगे। कोई हमारे पड़ोस में रहते हैं ना दीदी, तो उन्होंने बोला मेरे लिए भी ला देना अगर जा ही रहे हो। तो हमने मतलब दो पार्सल ले लिए थे बिरयानी लेके घर को वापस। इसको ना वहाँ मतलब बर्गर की शॉप बंद थी, किस्मत के बाद दूसरी जगह और जाएंगे प्रियांक की बेकरी में, वहाँ जाके देख के आते हैं। चल तू वहीं जाके लेके आते, चलिए फिर ठीक है। मेरी किस्मत इतनी गंदी है, मेरी बर्गर मुझे खाना था। हाँ हम दोनों की वहाँ बर्गर मिला तो मैंने ले ली पेटीज, जो आधी खत्म हो चुकी है। चल फिर कोई बात नहीं, चलिए अब मैं फटाफट पहले घर पहुँचती हूँ। और मतलब बहुत पहले पहुँच गए थे, दो तीन साल पहले पहुँच मतलब हो गया एक घंटा। और थोड़े कपड़े वपड़े हमने तह करे और इसने दिया बत्ती जला दिया, थोड़े बर्तन धोने मेरे को और क्या बोलते हैं थोड़ी चाय पीऊँगी। एक लगी भूख, ये खा रही है अपनी बिरयानी, तो बस खा ले तू। वो क्या छोटा सा मेरे पास ना नमक बचा हुआ है मेरा सुबह, आपने देखा होगा पहले ब्लॉग में कि मैंने ये नमक पीसा था, लहसुन लाल मिर्चा जीरा और नमक। तो उसके साथ रोटी बनाऊंगी और दही है और घी, बहुत टेस्टी होता है घी नमक रोटी, अपना अपना टेस्ट होता है, मुझे अच्छा लगता है। कल शाम के बाद से ना मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि पता नहीं कल मेरे सिर में दर्द इतना ज़्यादा क्यों हो गया था। और बस अभी यहाँ पे सारा घर का काम हो गया है, बेटी चली गई है ट्यूशन और टाइम हो रहा है अभी 9:10 है। और यहाँ पे बना रही हूँ चाय, यहाँ पे दूध गर्म कर दिया है देखिए। तो क्या बोलते हैं, हाँ अभी सासू माँ लोग तो अभी आए नहीं हैं क्योंकि अभी सुबह भी वहाँ पूजा है तो शाम तक ही आएंगे। तो घर पे भी कोई नहीं है तो मैं बस अकेली यहाँ बैठी चाय पी। तो मेरे को आज ना बेटे को लेके जाना है हॉस्पिटल ना, उसके दांत में हो रहा है दर्द, 10 बजे हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे करके। 9 तो बज चुका है और अभी ना धूप का नामो निशान नहीं है, बहुत ठंड इतना ज़्यादा हो रहा है। कल बिस्किट लेके आई हूँ, यही वाले जो मतलब क्रीम होती है बीच में, तो मैं अभी चाय के साथ खा लेती हूँ, भूख लग गई है। और मैं इस डब्बे में रख देती हूँ क्योंकि स्टील का डब्बा मेरा अभी खाली नहीं है, उसमें रखा है मैंने घी। तो ठीक है चलिए इसको मैं रख देती हूँ पहले। ठीक है फिर, और मैं अभी चाय और बिस्किट, पता है बिस्किट हो नमकीन हो मैं गुड़ की चाय पीती हूँ, तो अब आदत सी हो गई है तो क्या करें। वैसे ना मेरे बिस्किट मीठे ही हैं तो चीनी की इसमें ज़रूरत ज़्यादा मेरे को है नहीं। छत में और आपने देख लिया होगा नज़ारा, देखिए बिल्कुल धूप नहीं है। सर है ना ये नदी की जो हवा आती है इससे ना और ठंड रहती है। जून के महीने में तो हम यहीं पर ही खड़े रहते हैं, आपको दिख रहा होगा ना। और यहाँ पर मतलब चटाई वटाई कुछ बिछा लो और रात 8 बजे नीचे जाने का दिल नहीं चाहता, और यहाँ से इतनी अच्छी हवा आती है नदी किनारे से, दिल चाहता है कभी छत में सो जाए गर्मी में, लेकिन बाघ का भी डर रहता है। और बस आऊ मैं टोपी, बेटी आई नहीं है तो 9:45 तक पहुँचेगी वो। तो ठीक है फिर अब मैं जाती हूँ, सिर में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है आज, फिर से बहुत दिनों बाद दर्द स्टार्ट हो गया, वरना सही हो गया था बीच में। तो चलिए फिर भी आ चुकी है ट्यूशन से, मम्मी चटाई खा रखी है, चटाई उस कमरे में, उसको धूप में बिछा फटाफट। तो अभी हमारा ना मार्केट जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, घर पे कोई नहीं है। अगर हम भी मार्केट ताला लगा के चल जाएंगे तो कोई घर में गेस्ट आ गया और फिर बंदर भी इतना आतंक कर रहे थोड़ा। तो बेटी के ना छुट्टियां पड़ चुकी हैं, स्कूल बंद हो गए, इसके समर वैकेशन नहीं विंटर वैकेशन, तो इसको होमवर्क मिला है। सर ऑटम ब्रेक अप्रैल उसमें होते हैं,
नवरात्रियों में बोलते हैं वाले ब्रेक, ये विंटर वेकेशन होता है तुम्हारा। और जो जो साइंटिस्ट को पढ़ते होंगे जिनके बच्चे, उनको पता ही होगा छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं, हॉलीडेज हो चुके हैं इनके घर के, तो होमवर्क कर लेगी अभी दादा। ठीक है, बोल रही है फिर। दोस्तों ना मैं सुबह के बाद से अभी वीडियो बना रही हूँ जोला, और अभी यहाँ पे चावल पकाने के लिए रख दिए हैं। और दिन भर धूप में बैठे रह गए तो पता नहीं चला, फिर बेटे ने होमवर्क वोमवर्क किया अपना, तो मैंने बोला आप बना लेते हैं। सभी लोग आ चुके हैं घर से, तो अभी इनके लिए चाय बना रही हूँ। और छोटी बीबी रो रही है, आपको आवाज़ आ रही है इसकी रोने की, थक गई होगी। वैसे बच्चा गोद में थक ही जाता है ना। थोड़ी देर जाओ भाव के पास प्लीज़, मुझे चाय लेके जाना चाची के लिए, रुक जाए बनने पे, क्योंकि मैं तो आवाज़ लगाऊंगी तो सुनती नहीं है। ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ।